कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और राजनीति में किया कोई भी वादा कभी पूरा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी नजीर खुद बीजेपी ने पेश की है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव से किया गया वादा तोड़ दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर देश की तरक्की चाहिए और ब्लैक मनी को देश में वापस लाना है तो टैक्स प्रावधानों में तब्दीली करनी होगी। सभी टैक्सों को खत्म कर एक सिंगल टैक्स विंडो बनाना होगा ताकि जनता के ऊपर से टैक्स का बोझ कम हो सके। इस रैली में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की थी। तब मोदी ने जोर देकर कहा था कि वो बाबा रामदेव की बातों से इत्तफाक रखते हैं और बीजेपी इस मसले पर जरूर काम करेगी। अब बीजेपी अपने वादे से मुकर गई है। क्या वजह है कि बीजेपी रामदेव से किए वादे को तोड़ रही है? मोदी को खारिज करने के पीछे आखिर बीजेपी का क्या मकसद है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि मोदी पार्टी से बड़े नहीं है? कहीं पार्टी ये तो जाहिर नहीं करना चाहती कि पार्टी किसी एक शख्स के इशारे पर नहीं चलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।